राजस्थान के उदयपुर से अभी की सबसे बड़ी खबर, दो रोज पूर्व छोटी सादड़ी में बबलू साहू नामक बीजेपी कार्यकर्ता और प्रॉपर्टी व्यवसायी पर कातिलाना हमला हुआ, जिसका सीधा सीधा आरोप सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के रिश्तेदारों पर लगाया गया। और इस मामले में जब प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर भर्ती कराया गया तो अभी तक उनके 4 बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। अभी इस पूरे मामले को लेकर स्वयं बबलू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के भांजे विक्रम आंजना पर का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है, यह वीडियो वायरल है और यह बताया गया है कि विक्रम आंजना और उनके साथियों ने सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया है। बता दें कि इस मामले में ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। मंत्री जी के भांजे विक्रम आंजना ने बहुत दबाव बनाया है, इसने मुझे पहले भी धमकी दी, इसकी रिपोर्टिंग मेरे पास है। विक्रम आंजना ने भी मुझे धमकी दी, उसकी भी रिपोर्टिंग मेरे पास है। विक्रम आंजना ने भी मुझे धमकी दी, उसकी रिपोर्टिंग मेरे पास है। इन लोगों ने यहाँ दंगल बना रखा है, पूरा गुंडागर्दी तानाशाह राज हो गया है। इन लोग ये लोगों की घोषणा करते हैं, मेरा दोनों हाथ दोनों पाँव में फ्रैक्चर है, हाथ पैर तोड़ दिए, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, मेरे सिर में चोट है। ये उदयलाल आंजना मिनिस्टर का भांजे विक्रम आंजना यही काम करवाता है, ये बोलता है कि मेरा साथ छोड़ के दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, इसे गुंडे बदमाश के साथ नहीं रहा, क्यों ये ऐसे हरकतें करता है, इसलिए मैं मेरे हिसाब से चुपचाप मेरे दुकानदारी कर रहा था। और गरीब बच्चे के साथ बंदा जो जमीन विक्रम आंजना ने खरीद रखी थी, विक्रम आंजना जीवन आंजना विष्णु पड़ता और कंचा मारा, इन चारों ने मुझे जमीन खरीदी और मैं इनके टांग अड़ा देता और बच्चे का सपोर्ट करता था, इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे मारने की कोशिश की। और मैंने कोमा चला दी थी, कोमा आ रही घूमियो और अड़ा मैं बाबू को पूजा करती थी, मैं पूजा करूँ पीछे की तो मोहन करते मारे दिलीप आंजना ने मारे सहयोग की मिली और विष्णु पाटीदार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट मिली हमारे हेटे जयपड़िया बच्चे दादा हथियार थी जीवन आयना मान सिंह आयना दिलीप आयना विष्णु पाटीदार और विनोद पाटीदार सेमड़ा, इनके साथ 5-10 आदमी अज्ञात आदमी थे जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम जानता हूँ, सामने आने को बता सकता हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि तुम हमारे काम में दखलंदाजी कर रहा है, विक्रम भाई साहब का जीवन आयना का गंचा मारना का और विष्णु पाटीदार का काम है, ये समझ में आ रही है। भाई साहब ने बोला कि इसको जान से खत्म कर देना, जान से खत्म कर देना, ये पूरी साजिश में गोमाना के दिलकुश कुमावत की जमीन के मामले में कुमावत समाज के गरीब बच्चे की मदद कर रहा हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे पर हमला करवाया और इसकी पूरी साजिश करता विक्रम आंजना है और इसकी रिपोर्टिंग भी पड़ी मेरे पास, जीवन आंजना की रिपोर्टिंग भी है मेरे पास जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और इसकी अपने विष्णु पाटीदार की भी मेरे पास है, दिलीप आंजना की मेरे पास रिपोर्टिंग है। और जाते जाते दिलीप आंजना ने मेरे पर फायरिंग की जिससे मैं बच गया। अगर मेरे या मेरे परिवार को सताए इसका पूरा जिम्मेदार विक्रम आंजना जीवन आंजना विष्णु पाटीदार कंचा मांजना होंगे, ये पूरी केवल मैं जमीन में की मदद के लिए मां समाज के साथ था, इसलिए लोगों ने मेरे हमला करवाया, मेरे चारों हाथ पैर तोड़ दिए और मुझे जान से मारने की धमकियाँ पहले मिल रही थी और हमने प्रशासन को पहले भी बोला 10-15 रिपोर्ट पहले कर रखी है थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं प्रशासन की मांग करता हूँ ऐसे भूमाफिया गुंडाराज को ख़त्म करें और हमें न्याय दिलाए। और इस मामले में अब बबलू साहू यह भी साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका मुझे इंसाफ भी चाहिए। छोटी सादड़ी इलाके में इन लोगों ने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इससे 4 माह पूर्व बंटी आजना नामक बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हुआ और वह मामला काफी चर्चा में बना रहा। परिवार वाले अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बबलू साहू पर कातिलाना हमले को लेकर अब बीजेपी भी लगातार हावी होती दिखाई दे रही है। वहीं इस मामले में परिजनों ने भी इंसाफ की ठान ली है।